खरगोन जिले के बड़वाहा में अजाक्स संघ द्वारा रविवार को 8 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार को दिया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए संघ के जिला पदाधिकारी जितेंद्र सेते ने नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू, प्रदेश की वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लगभग 1,04,000 से ज्यादा बैकलॉग के रिक्त पदों की समय सीमा में पूर्ति शीघ्र की जाने सहित अन्य मांगों के निराकरण की मांग की। इस दौरान संघ के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र मकवा ने पुष्पेंद्र रावल, कमल भालसे सहित सदस्यगण मौजूद रहे। आगे आगे हमारे संविधान को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। हमारे संविधान को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय अजाक्स की लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में, द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा पिछले कई वर्षों से न्यायोचित मांगों का शासन के सम्मुख रखा गया था, लेकिन उनमें से शासन द्वारा निम्न अनुसार मांगों का निराकरण नहीं किया गया। जी, आज अजाक्स संगठन के द्वारा ज्ञापन, अजाक्स के लंबित मांगों के निराकरण के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है कि समाज में बहुत सारी मांगें जो है विगत कई वर्षों से लंबित है। अभी हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आरक्षण में आरक्षण, मतलब कोटे में कोटा देने का एक क्रीमी लेयर लागू करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसका अजाक्स संगठन के द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है। साथ ही कई वर्षों से हमारे जो है बैकलॉग के पद जो है 1,04,500 के आसपास के पद जो है विगत कई वर्षों से रिक्त हैं, जिन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस पर जल्द एक्शन लेते हुए उन पदों को भरें। साथ ही आउट सोर्सिंग जॉब, जिसमें पहले तो आउट सोर्सिंग जॉब जो है बंद हो, और यदि किसी परिस्थिति में यदि आप आउट सोर्सिंग कर भी रहे हैं तो उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए, जिससे हमारे आदिवासी और SC ST वर्ग के जो बच्चे हैं उनका भला हो सके।